हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल देने वाला हूँ कि आप अगर 7294 की सर्किट बनाना चाहते हैं तो जो कि ब्रिज मोड और स्टीरियो मोड दोनों पे काम करे, तो आपके लिए एक सर्किट है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही वेबसाइट की लिंक और यहाँ पर आपको और भी सर्किट्स मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। और चलिए सर्किट पर आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है JB1, JB2 और JB3, JB4, ये अगर आप लगाते हैं जंपर्स टू स्विच बिटवीन एम्पलीफायर मोड, तो ये जो है अगर आप लगा देते हैं तो आपकी जो एम्पलीफायर है वो ब्रिज मोड पे काम करेगी, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो स्टीरियो मोड पे काम करेगी। तो चलिए PDF पे आते हैं। तो मैं यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये डाउनलोड हो रही है फ्रेंड्स। तो डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करते हैं और PDF पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे JB1, JB2, JB3, JB4 यहाँ पे भी है, जैसे देख सकते हैं JB1 यहाँ पे है और JB3 यहाँ पे है, JB4 यहाँ पे है, JB2 यहाँ पे है। ये सारी जंपर्स को आप अगर जोड़ देते हैं यहाँ पे, मतलब जंपर लगा देते हैं, तो ये जो आपकी सर्किट है ये ब्रिज मोड पे काम करेगी और आपको 200 वाट की आउटपुट मिल जाएगी, क्योंकि दो IC है तो 200 वाट की आउटपुट आपको मिल जाएगी। और ये रजिस्टर आप तभी लगाएं जब आप ब्रिज मोड पर इसको बना रहे हैं, वरना ये रजिस्टर लगाने का कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। R13 जो 22K का यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको लगाने का कोई यूज नहीं है अगर आप स्टूडियो मोड पे इसको बना रहे। तो ये सर्किट बहुत ही अच्छी सर्किट है, और आपको जो स्पीकर की वायर है दोनों ही प्लस साइड पे अटैच करनी होगी अगर आप ब्रिज मोड पे इसको बना रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अपनी सर्किट के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। जो कि मैंने आपको एक सर्किट दिखाई थी 7294 की जो सबवूफर के लिए, तो आपकी ये सर्किट जो है म्यूट मोड पे रहेगी। तो आपको यहाँ पे जो म्यूट का जो देख सकते हैं यहाँ पे दो पिन दिए गए हैं, वहाँ पे आपको जंपर लगानी होगी तभी आपका सर्किट आउटपुट निकालेगा। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको यहाँ पे जंपर्स लगानी होगी, यानी कि इन दोनों को शॉर्ट करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी सर्किट म्यूट मोड में रहेगी और कोई भी साउंड आउटपुट नहीं देगी। तो आप यहाँ पर जंपर लगा दीजिए, तब आपकी सर्किट आउटपुट निकालेगी जो कि बुफर की साउंड आपको निकालेगी। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये जो सर्किट है ये ब्रिज मोड और स्टूडियो मोड दोनों मोड पे काम करेगी, तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। It's all about humanity.